मुझे लगता था कि पेंट, अपनी फीलिंग्स को पेंट करने के लिए मैं कभी भी पेंट कर दूंगी। हम लोग सब आर्ट से सराउंडेड हैं, चाहे हम कोई साबुन यूज कर रहे हैं, कोई टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, कोई मैगजीन उठा रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर उठा रहे हैं, एवरीथिंग इज आर्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और अ वुमन। स्पेशली वाटर कलर में आप जो डिटेलिंग करते हैं, क्योंकि बहुत डिटेलिंग की जरूरत होती है स्पेशली वाटर कलर में, सो वो क्या होता है कि मैम मेरे जो सारे कलर्स होते हैं ना वो मिक्स हो जाते हैं। कभी मैं वैसे तो करता नहीं हूँ, बट बहुत कभी कभार अगर कभी करने बैठता हूँ, मॉम करती हैं ये सब, सो उनके साथ कभी कभार करने के लिए बैठता हूँ तो बहुत मिसमैच हो जाते हैं वो सारी चीजें। तो आपने कैसे सीखा इतना? वही सेम चीज मैं बोलूंगी, मैं एक ही चीज कहती हूँ कि मीडियम कुछ भी नहीं है। आई मीन मीडियम एक सेकेंडरी चीज है, ठीक है। टेक्निक आप कभी भी सीख जाओगे, मतलब चाहे आप ऑयल करो, मैं अगर ऑयल भी करती हूँ तो भी मैं 2 घंटे के अंदर मैक्सिमम अपना काम खत्म कर देती हूँ। मैंने अपने पेज पे कुछ ऑयल पेंटिंग्स भी शेयर किया है, और वो सिर्फ फ्लोरल्स ही नहीं है, दूसरे पेंटिंग्स भी है। तो मैं दोबारा से भी अगर आप कहोगे तो मैं कुछ ही दिनों में आपको स्पेशली भेज भी दूंगी अगर आप देखना चाहेंगे तो। एक्चुअली एक थॉट प्रोसेस होता है हर आर्टिस्ट का, ठीक है। तो वो थॉट प्रोसेस चाहे आप पेस्टल्स कर रहे हैं, चाहे आप वाटर कलर्स कर रहे हैं, चाहे आप पेस्टल्स कर रहे हैं, वो सभी चीजों में सेम रहता है। और मैं ये कहूंगी कि मैं लाइन से ज्यादा कुछ चीजें होती है कि कुछ लोग लाइन ड्रॉइंग्स करते हैं, कुछ शेप्स में काम करते हैं, ठीक है, और कुछ दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो फॉर्म, शेप्स और लाइंस, ये तीनों जो आपकी चीजें हैं, ये आपको अलग अलग लोग, जैसे जो पुराने आपके हमारे जो फोक आर्ट फॉर्म्स थे वो ज्यादातर लाइंस बेस्ड है, लाइंस पे, ठीक है। तो जब हम शेप्स पे फोकस करते हैं तो या फिर हाँ, आप हाफ आई क्लोज करके जब आप किसी चीज को देखते हो या जब आप डिस्टेंस से किसी चीज को देखते हो तो सिर्फ आप एक इम्प्रेशन ऑफ कलर नोटिस करते हो और आप सिर्फ वो इम्प्रेशन वहां पर अप्लाई करते हो। तो यही तरीका है मेरा भी काम करने का कि मैं सिर्फ इम्प्रेशन कैप्चर करती हूँ। और मुझे लगता है कि पेंटिंग एक्चुअल में वो नहीं है कि कितना आप बना रहे हैं, आप कितना छोड़ रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आपका पेंटिंग अगर एग्जैक्टली लाइक फोटोग्राफ है, अगर वो कैमरा से शूट किया जा सकता है, तो फिर पेंट करने का कोई फायदा नहीं है। तो उससे बेटर है कि आप, या फिर मैं देखती हूँ लोगों को कि वो ग्राफ बनाकर एज इट इज एग्जैक्टली यू नो वो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका मुझे नहीं लगता कि वो कोई कि उसमें कोई मैजिक है। राइट, जब आप पेंट करते हो तो बेसिकली आप अपने इमोशंस को कहीं कहीं फ्लो करने देते हो और कहीं उनको बैलेंस करते हुए चलते हो। तो दैट इज व्हाट इज एग्जैक्टली इज पेंटिंग। और आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पेंट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर डेफिनेटली मैं फ्यूचर में पोर्ट्रेट्स भी करूंगी, लैंडस्केप्स भी करती थी मैं, बहुत लैंडस्केप्स किए मैंने, लेकिन मुझे लगता है जो चीज आपको एसोसिएट करे, जिससे आपको कनेक्शन फील हो, जब तक आप वो नहीं करते तब तक आप अपना बेस्ट नहीं देंगे। तो आप बहुत सारे आर्टिस्टों में से एक बन के रह जाएंगे, बट एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए, ऑल्दो कोई सोचता नहीं है आइडेंटिटी क्रिएट करने का, बट वो आपकी तभी हो पाती है जब आपका कनेक्शन उस चीज के साथ स्ट्रांग होगा। जब आपका कोई, आपका जो फ्लेवर है, खुद का जो फ्लेवर है, वो आप पेंटिंग में, आपने फोटोग्राफ में, कोई भी आप आर्ट फॉर्म में, जब तक आप नहीं डालोगे तब तक उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो अगर आप पोर्ट्रेट पेंट कर रहे हो या आपको लगता है कि मुझे स्केच करना है, तो अगर आप अपनी मॉम को चूज करते हो, अपने दोस्तों को चूज करते हो, अपने आसपास या जिनसे आप कनेक्शन फील करते हो, तो डेफिनेटली आप जितना आप वैसे अच्छा बनाते उससे ज्यादा अच्छा आप क्रिएट कर पाओगे। सो मैम, ऑनलाइन वर्कशॉप्स जो आप कर रहे हैं, सो उनको अटेंड करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे करना पड़ता है, या आपके सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए ही रहता है, या फिर कोई जो बाहर का स्टूडेंट है वो भी अटेंड कर सकता है आपके वर्कशॉप्स? नहीं, कोई भी कर सकता है ऑनलाइन वर्कशॉप, कोई भी अटेंड कर सकता है। पर्सनली भी मैसेज लोग मुझे करते रहते हैं और मैं टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स ले रही हूँ। मैंने सितंबर में भी एक वर्कशॉप लिया था, अगस्त में भी लिया था, जुलाई में भी लिया था, तो
तो मैं अभी रेगुलर बेसिस पे वर्कशॉप ले रही हूँ। अभी 10th और 11th अक्टूबर को मेरा नेक्स्ट वर्कशॉप है और उसके बाद नवंबर में भी है। तो कोई भी अगर लेना चाहता है, वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करना चाहता है, तो मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा अभी प्रमोट कर रही हूँ। मतलब मैं डालती रहती हूँ, स्टोरीज में डालती रहती हूँ या मतलब अपनी फीड में डालती रहती हूँ कि इस टाइम पे मेरा नेक्स्ट वर्कशॉप है। और आप मैसेज भी कर सकते हैं, आप मैसेज करते हैं पर्सनली तो मैं आपको लिंक और सब कुछ भेज दूंगी और आप उसके अकॉर्डिंगली आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल। बाकी ये है कि डेफिनेटली मुझे लगता है आप काम देखिए और जब आपको लगे कि हाँ यही चूज करना है तो आप डेफिनेटली, और बहुत ज्यादा अलग अलग लोगों को फॉलो मत करिए। जो आपके कुछ, जो भी आपको लगता है कि ये 3-4 आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या बहुत अच्छा, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है कि इंटरनेट ने इतनी सारी चीजें खोल दी हैं कि जब हम बहुत ज्यादा चीजों को वो करते हैं तो हम किसी भी जगह पर नहीं पहुंच पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, बेसिकली कंफ्यूज हो जाते हैं। So, मेरा ये प्रॉमिस है कि मैं अपनी मॉम को जरूर भेजूंगा, बिकॉज अभी मेरी मॉम को क्या है कि अभी लॉकडाउन हो गया तो वो पेंटिंग्स एंड आर्ट एंड क्राफ्ट में थोड़ा ज्यादा बिजी हो गई और वो देख के अच्छा लगता है मुझे कि कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो मैं पक्का 10th अक्टूबर जो डेट है वो मैं मॉम को जरूर अटेंड करवाऊंगा अपनी। सो मैम, अभी लॉकडाउन था तो आपके कॉलेज में कैसा क्या रहा कि ऑनलाइन वर्कशॉप्स जो हुई, ऑनलाइन क्लासेस जो हुई है, उनमें क्या क्या आपको चैलेंजेस फेस करने को मिले? क्योंकि एक ट्रेडिशनल जो क्लासेस होती है वहाँ आपको जो स्टूडेंट है वहाँ पे आप वहीं के वहीं उनको सही कर सकते हैं, बट ऑनलाइन में थोड़ा सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो हमने ऐसे ही किया है, जो डिजाइनिंग वाले स्टूडेंट्स हैं मेरे, जो लाइक अगर एक्चुअली वीकली सिस्टम होता है कॉलेज के अंदर हमारे, तो लाइक मंडे को आपको एक असाइनमेंट मिलता है जो आपको फ्राइडे को सबमिट करना होता है। कभी कभी वो वीक 15 डेज का भी होता है, ठीक है। सपोज आप अभी थर्ड ईयर का मैं वीक ले रही थी, आपको आउटडोर साइनेजेस डिजाइन करने थे, तो अगर आप आउटडोर साइनेजेस डिजाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली उन्होंने मुझे मैंने उनको बोला कि पहले आप मुझे लेआउट्स बनाकर भेजिए, ठीक है। तो जब मैं ये सेम चीज मैं आईपैड के थ्रू ले रही हूँ तो आईपैड के थ्रू मैं उनको अपनी स्क्रीन शेयर करके चीजें दिखाती भी हूँ कि किस तरीके के होते हैं साइनेजेस, व्हाट आर साइनेजेस एक्चुअली, उसमें क्या होता है, सिग्निफायर का क्या रोल है, सिग्निफाइड का क्या रोल है, व्हाटएवर। थ्योरी पढ़ाने से लेकर उनको डिजाइनिंग के बारे में समझाने से लेकर, अगर इलस्ट्रेशन का वीक है तो मैं आईपैड पे ही ड्रॉ करके दिखा रही हूँ और वो लोग अपने लेट्स अगर मुझे भेजते हैं, सपोज किसी की कोई बच्चे की स्टोरी है या किसी लामा की स्टोरी है, तो मैं उसी में ही वो कैरेक्टर डिजाइन करके आईपैड के थ्रू ही उनको डिजाइन करके दिखा रही हूँ। तो ऐसे ही चल रहा है, हमने हर क्लास का एक व्हाट्सएप ग्रुप पहले से क्रिएट किया हुआ था, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे वो अपने अपने लेआउट्स भेज रहे हैं, जिसके लेआउट्स में जो जो हमें कमियां लगती हैं, तो हमारे पास और टीचर्स भी हैं, शांति निकेतन से शांतन सर हैं हमारे पास, आनंद सर हैं कॉलेज ऑफ आर्ट से, मैं जामिया से हूँ और अमित सर भी कॉलेज ऑफ आर्ट से हैं। तो ये चार तो परमानेंट फैकल्टीज हैं, प्लस हमारे पास टाइम टू टाइम जैसे जैसे मतलब बाहर से आर्टिस्ट विजिट करते रहते हैं तो हम लोग फॉरेन आर्टिस्ट की वर्कशॉप्स भी करवाते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लिंक्स भी हैं हमारे, तो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं ऐसे जो कि डिजिटली अगर बहुत अच्छा कोई काम कर रहा है, चाहे वो कैरिकेचर्स के हमारे मनोज सिन्हा हैं, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करते हैं, तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम उनको टाइम टू टाइम कॉलेज में बुलाते रहते हैं, वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाते रहते हैं और वो बच्चों को कुछ ना कुछ न्यू सीखने को मिलता रहता है। या ऑनलाइन ने काफी काम इजी भी कर दिया है कि हम जैसे अभी बात कर रहे हैं, मेरा शो स्टार्ट हो रहा है। या सो मैम, IWS इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी जो है, इसके बारे में मैम हमारे ऑडियंस को कुछ बताएं, ये कैसा है, क्या है? इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी बेसिकली एक वाटर कलर की सोसाइटी है जो कि 110 देशों के अंदर चल रही है। ओके, जिसके कि प्रेसिडेंट है मिस्टर अतानूर डोगन, जो कि एक टर्किश आर्टिस्ट है बट ही इज बेस्ड इन कनाडा। तो उन्होंने ये सोसाइटी स्टार्ट करी थी और हम लोग इस सोसाइटी से जुड़े जब अमित सर जो है
2014 के अंदर अतानूर से मिले थे थाईलैंड के अंदर. तो वहां पर उन्होंने इस सोसाइटी का डिस्कशन किया उनके साथ, उनको बताया कि इस तरीके की वाटर कलर की एक सोसाइटी, क्योंकि वो वाटर कलर के ही किसी फेस्टिवल में गए हुए थे. तो वहां पर अतानूर ने उनको इसके बारे में बताया और फिर हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया. हमने इस सोसाइटी की वेबसाइट को प्रॉपरली इंडिया के अंदर बनाया. IWS इंडिया हमने स्टार्ट किया, इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी इंडिया को हमने बिल्डअप किया. और इस तरीके से बिल्डअप किया कि सारे इंडियंस को इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिले. यंग जो हमारे इंडियन आर्टिस्ट हैं उनके लिए टाइम टू टाइम हम फेस्टिवल्स कंडक्ट करते हैं. हमने 2015 के अंदर अपना पहला इंटरनेशनल बिनाले किया था जिसमें कि बाहर से सभी लोग आए थे, मतलब 110 देशों से लोग आए थे. और बहुत सारा इस साल भी 2019 के अंदर इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स IGNCA में ओलंपियाड हुआ था. ओलंपियाड जिसके अंदर की बाहर के देशों से बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे वाटर कलर के डेमोन्स्ट्रेशन हुए थे इंडियन आर्टिस्ट को. और तो अगर आप वाटर कलर कर रहे हैं तो आप IWS ग्लोब का एक पेज है, उसे आप फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं. हाँ, मैं आपको सभी का लिंक्स भेज दूंगी और आप लिंक्स शेयर कर सकते हैं. ठीक है, IWS इंडिया के पेज को आप जरूर फॉलो करें. ठीक है, IWS इंडिया के पेज को आप फॉलो करेंगे तो इंडिया के अंदर होने वाली सारी एक्टिविटीज का आपको अप टू डेट मिलेगा. आपके पास अगर कोई ईमेल लिस्ट है स्टूडेंट्स की या कोई भी जो आप हमसे शेयर करते हैं तो हम उनको भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि आप वाटर कलर के कौन कौन से कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और आप पार्टिसिपेट करिए, आगे आइए. हम चाहते हैं क्योंकि इंडिया में बहुत टैलेंट है बट लोगों को पता नहीं चलता. एग्जैक्टली, तो मैं बिल्कुल वाटर कलर करने वाले तो सभी लोगों से मैं ये कहूंगी कि आप IWS इंडिया का पेज जरूर फॉलो करें. इंस्टाग्राम पे भी है IWS इंडिया का पेज, और जो कि अभी हमने स्टार्ट किया था, बट फेसबुक पे काफी टाइम से है. आप उसको देखें और उसमें हम हो सकता है कुछ टाइम में, क्योंकि लॉकडाउन है तो हम बहुत सारे आर्टिस्ट के कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस भी लेकर आने वाले हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं. प्लस IWS इंडिया ही मैगजीन भी निकालता है जो कि सारे 110 देशों में जाती है, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जाती है. तो IWS मैगजीन करके जिसकी मैं एडिटर भी हूँ और जिसको कि हम निकालते हैं और जिसमें इंडियन आर्टिस्ट के बारे में और ऑल ओवर द वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं उनके बारे में हम मतलब छापते हैं और सारी इंफॉर्मेशन वाटर कलर की, इनफैक्ट उनके ट्यूटोरियल्स, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसका ई वर्जन भी अवेलेबल है. तो आप उसका ई वर्जन भी बाय कर सकते हैं जो कि आई थिंक $10 में 3 मैगजीन के इशू आप ले सकते हैं, विच इज वेरी वेरी नॉमिनल, 700 समथिंग रुपीज. तो आप वो बिल्कुल ले सकते हैं और आप उसका फायदा उठाइए क्योंकि बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस है. तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं. और दैट्स व्हाई मैंने ये शो स्टार्ट किया है कि लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं और आपके जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं वो चीज़ें आके बताते हैं और लोगों में एक अवेयरनेस फैलती है.